हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हम सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होता है, IMF क्या होता है, SDR क्या है, कोटा क्या है, साथ में वर्ल्ड बैंक क्या होता है, UNCTAD क्या होता है, वो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद की बारी आती है हमारा नेक्स्ट चैप्टर का, लेकिन अब हम शुरू करें एक बार के लिए हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरमेंट वाला जो यूनिट है, तो उसको अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। उस यूनिट के अंदर सबसे पहले तो टॉपिक मिलेगा आपको बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, लेकिन वो मैंने अभी आपको नहीं करवाऊंगा, वो करेंगे हम बाद में। उससे पहले मैं आपको करवाने वाला हूं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना इकोनॉमिक सिस्टम का, कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक सिस्टम का, तो इकोनॉमिक सिस्टम है क्या? एक अर्थव्यवस्था या एक इकोनॉमी, उस इकोनॉमी को रन करने के लिए, उस इकोनॉमी को रन करने के लिए जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, मतलब एक आपकी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को क्या करना है, आपने चलाना है, उसको चलाने के लिए आप कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को आप बेसिकली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या उसको अपनाएंगे। तो वो जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज द इकोनॉमिक सिस्टम। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक सिस्टम। तो आइएगा हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, एक्चुअल में है क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, एक होता है जी अपना इकोनॉमी, क्या होती है? इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को क्या करना है आप लोगों को? रन करना है। क्या करना है? रन का मतलब चलाना है। क्या करना है? चलाना है। इसको चलाने के लिए, अगर आपने इसको चलाना है, इसको चलाने के लिए जो आप वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको रन करने के लिए जो आपके द्वारा वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया जाएगा, मतलब आपकी एक अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को क्या करना है? रन करना है, मतलब चलाना है। उसको चलाने के लिए आप क्या करते हैं? वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, मतलब वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके आते हैं। उन वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन का जो कलेक्शन होता है, जो अलग अलग आपने रूल्स बना लिए, उन सब का जो कलेक्शन होता है ना, डेट कलेक्शन इज नोन एज द इकोनॉमिक सिस्टम। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक सिस्टम का, कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, तो उसके बारे में आपको मैं पहले बता दूं, मतलब हमारी एक अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उस मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसको रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करते हैं? हम लोग फॉलो करते हैं। वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। उन वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन का जो कलेक्शन होता है, वो अलग अलग जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका जो क्या होता है? कलेक्शन होता है। उस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम। एक बार इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता दूं। देखिएगा, जब आप पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा बिजनेस एनवायरनमेंट, इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आने वाले कई सारे फैक्टर हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली ये बताएगा कि बिजनेस को इंपैक्ट करने वाले क्या फैक्टर्स, क्या फैक्टर। वो फैक्टर आपके कई तरह के होते हैं, जिनको बेसिकली बाइफर्केट दो पार्ट में किया जाता है। एक होते हैं आपके कौन से इंटरनल एनवायरनमेंट, कौन सा इंटरनल, और एक होता है गाइस आपका कौन सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके जी सर। इंटरनल एनवायरनमेंट के फिर आगे दो पार्ट बनाए जाते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी, कौन सा प्राइमरी, और एक होता है आपका सपोर्टिव, कौन सा सपोर्टिव। दूसरा, अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल का, तो इसके अंदर आपके फिर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है कौन सा आपका मैक्रो। मैक्रो के फिर आगे दो पार्ट होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और एक होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये जो है ना आपका नॉन इकोनॉमिक, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं वो पॉलिटिकल, सोशल, डेमोग्राफिक, ये सब जो है वो पार्ट है किसका? नॉन इकोनॉमिक। और जो आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम। इसी के अंदर जो है वो, एक तो आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को, एक आप इसी के अंदर जो है वो पढ़ते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को, किसको? पॉलिसी को। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे तो ये इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरीके का है, एक होता है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म, एक है मिक्स वाला। इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ोगे तो ये भी आपके तीन तरीके की है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी, और एक है आपका कौन सा बजटरी पॉलिसी। और एक इसमें पढ़ते हैं आप लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं, तो हम यहां पे ये बोलते हैं कि आपका ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आने वाले जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और एक है कौन सा एक्सटर्नल। अगर मैं पहले बात करूंगा इंटरनल का, तो इंटरनल के अंदर इंटरनल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है कौन सा सपोर्टिव। एक्सटर्नल के फिर आगे दो पार्ट है, एक है माइक्रो और एक कौन सा मैक्रो। अगर बात करूंगा मैं किसका, मैक्रो का, तो मैक्रो के अंदर जो है वो हम क्या लेके चलते हैं, एक है इकोनॉमिक और एक कौन सा नॉन इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीज़ों को। एक हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक सिस्टम को, एक इकोनॉमिक पॉलिसीज को, और एक इकोनॉमिक कंडीशंस को। और उसी में सबसे पहले नंबर पे जो आया वो है कौन सा आपका इकोनॉमिक सिस्टम, तो इसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो मैंने ये बता दिया आपको इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली है क्या। तो मैंने ये बताया कि एक होती है जी अपनी इकोनॉमी, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, एक होती है अपनी क्या इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को क्या करना है आप लोगों को, रन करना है, या उसको क्या करना है, गवर्न करना है। इस इकोनॉमी को रन करने के लिए या गवर्न करने के लिए बोले तो चलाने के लिए हम लोग जो बेसिकली जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को या जिन कंडीशंस को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं उन कंडीशन या रूल्स एंड रेगुलेशन का जो कलेक्शन होता है ना, जो उनको इकट्ठा हम कर देंगे, उनका जो कलेक्शन होता है, डेट कलेक्शन इज नोन एज अ इकोनॉमिक सिस्टम। उस कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। ओके जी सर। सर अब ये बताओ, आपने ये तो बता दिया कि इकोनॉमी को गवर्न करने के लिए, इकोनॉमी को रन करने के लिए जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, उन वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन का जो कलेक्शन होता है उसी को हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। सर ये तो बता दो, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये कितने तरह का होता है, आइएगा अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप का तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आवाज थोड़ी सी कर्कश होगी, लेकिन आप प्लीज मैनेज करिएगा दोस्त। ओके, तो इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली जो है ये होता है आपके तीन तरीके का। कितने तरीके का? तीन। एक होता है आपका सोशलिज्म, कौन सा होता है सोशलिज्म। एक होता है गाइस आपका कैपिटलिज्म, कौन सा कैपिटलिज्म। और एक जो है वो होता है कौन सा आपका मिक्स्ड वाला, कौन सा मिक्स्ड वाला। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बोलता हूं इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली तीन तरीके का है। एक होता है कौन सा आपका सोशलिज्म, कौन सा सोशलिज्म। एक है कौन सा आपका कैपिटलिज्म, और एक है कौन सा आपका मिक्स वाला। ओके सर, ये तीनों जो है आपने बोल तो दिया इकोनॉमिक सिस्टम आर ऑफ थ्री टाइप, एक है सोशलिज्म, एक है कैपिटलिज्म, एक कौन सा मिक्स वाला। इन तीनों को बाइफरकेट करने का क्राइटेरिया क्या है, तीनों को किस बेस पर आपने बाइफरकेट किया, तो इनको बाइफरकेशन करने का जो क्राइटेरिया है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए आपके फैक्टर प्रोडक्शन, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, अगर वो सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो है गवर्नमेंट के हाथ में, किसके, अगर सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन जो है इज होल्ड बाय द, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अगर मान लो जितने भी आपके सारे फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर वो किसके कंट्रोल में है, मतलब वो अगर कंट्रोल में, फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में, वो है अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो उसको बोल देंगे हम लोग सोशलिज्म। तो अगर आप बात करते हैं सबसे पहले सोशलिज्म का कि सोशलिज्म क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है, अगर वो सारे के सारे, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो सारे फैक्टर्स हैं, अगर वो सारे के सारे जो है वो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो उस इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, सोशलिज्म। अगर जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है वो सारे हैं हमारे प्राइवेट लोगों के पास में, किसके पास में, प्राइवेट लोगों के पास में, तो उसको बोलते हैं गाइस हम लोग क्या, कैपिटलिज्म। और अगर हमारे जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है वो कुछ है गवर्नमेंट के हाथ में और कुछ है प्राइवेट लोगों के हाथ में, कुछ तो किसके पास में, गवर्नमेंट, और कुछ किसके पास में, प्राइवेट लोगों के हाथ में, तो इस एक तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्या इकोनॉमिक सिस्टम का, तो हम यहां पे बेसिकली ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो तीन तरीके का होता है, एक होता है आपका सोशलिज्म, एक होता है मिक्स वाला, और एक है कौन सा आपका कैपिटलिज्म। अब सोशलिज्म में, कैपिटलिज्म में, मिक्स वाला है, तो उन तीनों को बायोफर्केट करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो क्राइटेरिया जो है इन सबके पीछे का वो है आपका क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन उन सब पे कंट्रोल अगर गवर्नमेंट का है, हमारी सरकार का है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सोशलिज्म। अगर जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है उसके ऊपर अगर कंट्रोल मान लीजिए पब्लिक का है, मतलब आम जनता का है, प्राइवेट लोगों का है, तो उसको बोलते हैं क्या, कैपिटलिज्म। और अगर जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन उन पर कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का है और कुछ किसका है, प्राइवेट लोगों का है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके क्या बोलो जी सर, आया समझ में। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला ये देखो जी सबसे पहले तो इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है बोले तो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को क्या करना है, रन करना है, चलाना है, तो उसको चलाने के लिए हम लोग जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उन वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन का जो कलेक्शन होता है, डेट कलेक्शन इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। देन इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरीके का, सर इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे तीन तरीके का, एक है सोशलिज्म, एक है कैपिटलिज्म, और एक कौन सा, मिक्स वाला। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा किसका, सोशलिज्म का,
का या बात करो कैपिटलिज्म का या करो मिक्स का, तीनों को डिवाइड करने के पीछे का क्राइटेरिया क्या? तो क्राइटेरिया जो है वो है जी हमारा क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो है हमारी गवर्नमेंट के पास में तो बोल देंगे सोशलिज्म, अगर सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन है हमारे प्राइवेट लोगों के पास में तो बोल देंगे कैपिटलिज्म, और अगर 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 कुछ फैक्टर प्रोडक्शन है हमारी गवर्नमेंट के पास में और कुछ है किसके, प्राइवेट लोगों के पास में, तो ऐसे 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 इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स्ड। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अपने इंडिया के अंदर जो चलता है ना वो यही वाला है, मतलब इंडिया का जो अगर मैं बात करूं आपको स्पेशल बात बताऊं क्या, आज देखो अपने इंडिया की अगर मैं बात करता हूं इंडिया का, तो इंडिया के अंदर मतलब इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कौन सा है, मिक्स्ड। जो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है वो कौन सा है जी आपका, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा, मिक्स वाला है। लेकिन आपको बताओ, अच्छा सर इंडिया ने जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है इसको अडॉप्ट कब किया, इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था 1948 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है वो क्या किया था, इशू किया। जब इंडिया ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इशू किया तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसको, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जो है वो क्या किया था, फॉलो किया था। ओके, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में, उस टाइम पे हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इशू किया, और वहीं पे वहां पे एक अनाउंसमेंट किया कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कौन सा, मिक्स वाला है। मतलब यहां पे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए है ओनली, मतलब वहां पे गवर्नमेंट एंट्री मारेगी, और कुछ ऐसे जहां पे प्राइवेट वाला काम करेगा। तो मतलब दोनों के पास में फैक्टर दे दिया, मतलब कुछ में बोल दिया गवर्नमेंट गवर्नमेंट का राज रहेगा, कुछ में प्राइवेट वालों का राज रहेगा। तो वैसे इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं कौन सा, मिक्स वाला। अब एक स्पेशल बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, 1948 में हमने जो इशू किया हमने कौन सा लेके चलते, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। अब स्पेशल बात सुनना, 1947 हो गया और ये हो गया 2019 के बाद में आया 1948 जब हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जो है वो क्या किया, फॉलो किया। उसके बाद 1991 के अंदर आ गए अपने बीओपी के क्राइसिस, क्या आ गया, बीओपी का क्राइसिस। और जब अपने इंडिया के अंदर बीओपी का क्राइसिस आया, उस बीओपी क्राइसिस से उभारने के लिए हम लोग जो है वो लेके आए थे एलपीजी को, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये लेके एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे, ध्यान है आपको जी। तो उस टाइम पे हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर किया था स्ट्रक्चरल चेंज, क्या किया था, स्ट्रक्चरल चेंज। और उस टाइम पे मनमोहन सिंह को बुलाया गया और उन्हें बोला गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और उनको बुला के और ये बोला गया, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि बताइए अब हम क्या करें, किस तरह से सुधार करें कंट्री में। तो मनमोहन सिंह जी ने बोला कि आप एक काम करो, आप अपने इंडिया के अंदर सिस्टम को चेंज करो, पहले था अपना कौन सा, मिक्स है, तो अब हम लेके आएंगे, अब मतलब उन्होंने बोला कि हम लेके आएंगे मिक्स वाला। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने बोला कि मनमोहन सिंह जी पहले भी तो मिक्स वाला था, 1948 में हमने वही तो अडॉप्ट किया था। लेकिन मनमोहन सिंह ने यहां पे बोला कि भाई साहब बात सुनो, पहले अपना जो था वो था मिक्स वाला, लेकिन ये था अपना मिक्स्ड विद सोशलिज्म। इसका मतलब था तो मिक्स वाला, मतलब कंट्रोल तो दोनों के पास में है, गवर्नमेंट के पास में भी है, प्राइवेट वालों के पास भी है, लेकिन मेजर चलती थी किसकी, गवर्नमेंट की, मतलब मेन जो पावर थी, मतलब मेन जो पावर थी वो किसके पास में थी, गवर्नमेंट के पास में। बोले लोग हिल गए, हैं ये क्या हो गया, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को भी दो पार्ट, मतलब एक है मिक्स विद सोशलिज्म, तो अब कौन सा लेके आएंगे। तो मनमोहन सिंह जी क्या बोले बात सुनो, अब जो हम अडॉप्ट करने वाले 1991 में अभी भी है तो कौन सा, मिक्स वाला, लेकिन अब होगा मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म। मतलब अभी भी दोनों है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट वाले भी है। जैसे आज की डेट में अगर मैं बोलता हूं तो दो सेक्टर ऐसे हैं, एक है एटॉमिक एनर्जी, आपको शायद नॉलेज होगा, एक है कौन सा, एटॉमिक एनर्जी, और एक है कौन सा आपका, रेलवे। ये दो सिस्टम ऐसे हैं जिनके ऊपर कंट्रोल ओनली एंड ओनली किसका है, गवर्नमेंट का, मतलब प्राइवेट वाला इन सेक्टर में एंट्री नहीं मार सकता। इसके अलावा जो भी सिस्टम है उनके अंदर प्राइवेट वाला भी एंट्री कर सकता है। तो यहां पे क्या बोला गया कि 1948 के अंदर जो सिस्टम था, 1948 में जो था अपना कौन सा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और वहां पे वो कौन सा था, मिक्स विद
सोशलिज्म। मिक्सिड सोशलिज्म का मतलब ये है कि मेन पावर जो है वो किसके पास में थी सर, मेन पावर थी किसके, गवर्नमेंट के पास में। लेकिन 1991 में जब बीओबी के क्या आ गए, क्राइसिस आ गए, उस टाइम पे हमने क्या किया, नई एलपीजी पॉलिसी लेके आए ना, तो वहां पे हमने इकोनॉमी के सेक्टर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और जो नया सिस्टम अपने इंडिया के अंदर बन के आया उसको बोला हमने क्या, मिक्सड विद कैपिटलिज्म। मतलब है तो अभी भी मिक्स वाला, लेकिन अब कंट्रोल ज्यादा जो रहेगा वो किसके पास में रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के पास में। आई होप समझ में आ गया होगा जी सर। तो ये तो है जी अपना इकोनॉमिक सिस्टम, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को जी। अब तो रीडिंग का काम रह गया, मेन बात क्या, कॉन्सेप्ट को समझने का। देखिएगा मेरे पढ़ाने का वे थोड़ा सा ये है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा थोड़ी ज्यादा करता हूं। इससे क्या होगा, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो माइंड में अगर आपको सेट बैठ गया तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगा कि हाँ कुछ कुछ ऐसा है। फिर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने आप ही माइंड में आपके स्ट्राइक करेगी वो बात, आपको लगेगा कि हाँ यार उसमें तो कुछ था नहीं, क्योंकि सब कुछ तो मैं मेरा बेस हो तैयार हो ही गया। तो पढ़ने का सबसे अच्छा भी है कि आप बेस एक बार अपना सा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना, क्वालिटी के ऊपर फोकस करें थोड़ा सा, क्वांटिटी चाहे कम हो, मतलब आप चाहे लेक्चर जो है चाहे वो आधे घंटे का है, लेकिन मेन बात यह कि उसके अंदर क्वालिटी निकल के आना चाहिए। ओके तो आइएगा, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 1948 में हम लोगों ने जो है वो शुरू किया था, किसको, हम लोगों ने अडॉप्ट किया जी मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम को। और उस टाइम पे हमारा कौन सा, मिक्स विद सोशलिज्म वाला, जिसमें मेन कंट्रोल जो मेन पावर थी वो किसके पास में थी, गवर्नमेंट के पास में। और फिर 1991 के अंदर जब बीओबी क्राइसिस हुआ तो उससे निपटने के लिए हम लोग जो है लेके आए क्या, एलपीजी पॉलिसी। और इस एलपीजी पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने हमने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर को चेंज करके और हमने क्या कर दिया, अब नया इकोनॉमिक सिस्टम लेके आए जिसका नाम क्या रखा, मिक्स विद कैपिटलिज्म। मेन रोल जो है किसके पास में रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के। आई होप यहां तक ओके जी सर। चलो अब हम रीडिंग करेंगे थोड़ा सा कि एक्चुअल के अंदर ये कहानी है क्या। देखिएगा, एवरी गवर्नमेंट वॉन्ट टू प्रमोट, हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है, एवरी गवर्नमेंट वॉन्ट टू प्रमोट द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। विद ए व्यू टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, अपने इस ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, इट फॉलो ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। वो जो है वो क्या करती है, वो कुछ नॉर्म्स और कुछ प्रिंसिपल्स को क्या करती है, फॉलो करती है। दीज नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल आर कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन, इन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग क्या, इंस्टीट्यूशन। दिस सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन डेट करेक्टराइज ए गिवन इकोनॉमी कंप्राइज इट्स इकोनॉमिक सिस्टम। और इसी इंस्टीट्यूशन का जो सेट होता है ना, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, सेट बोल दो या फिर क्या बोल दो आप, कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। इन अदर वर्ड्स बाय इकोनॉमिक सिस्टम वी मीन नॉर्म्स प्रिंसिपल और द रूल्स डेट गवर्न। मैं दोबारा बोलता हूँ, इन अदर वर्ड्स बाय द इकोनॉमिक सिस्टम वी मीन नॉर्म्स, कुछ नॉर्म्स हो गए, कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ रूल हो गए, जो क्या करेंगे, गवर्न करेंगे इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पीपल इन एन इकोनॉमी, इज नोन एज द इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर कोई पूछे ना आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या हो गया, कुछ हमारे नॉर्म्स, कुछ हमारे प्रिंसिपल, कुछ हमारे रूल्स, जो क्या करते हैं, गवर्न करते हैं किसको, इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पीपल इन द इकोनॉमी, इज नोन एज द इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखो यहां पे मैंने इकोनॉमी का डेफिनेशन डाल दिया, एन इकोनॉमी रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच पीपल अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू एक पर्सन अपनी आजीविका कमाता है, तो उसे तो बोलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन लोग फॉलो करते हैं, उनको कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। एंड इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू दोज नॉर्म्स एंड रूल्स और इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्ट, जो डायरेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, इकोनॉमी को, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। आगे, एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज ए सोशल फ्रेमवर्क, अगर बात करूंगा इकोनॉमिक सिस्टम का, तो गाइस ये क्या है, एक सोशल फ्रेमवर्क है, रूल्स का, गोल्स का एंड इंसेंटिव का, जो गवर्न करता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पीपल इन द सोसाइटी, और ये प्रोवाइड करता है एक रिलेशनशिप फॉर आंसरिंग द बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन। आगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ इंग्लैंड में और यूरोप में इन 18th सेंचुरी, द इंपोर्टेंस शुरुआत में इंपोर्टेंस आया किसका, कैपिटल का, एज ए मींस ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप द मींस ऑफ प्रोडक्शन ए न्यू इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड कैपिटलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद में रेवोल्यूशन हो गया रशिया के अंदर 1917 में, तो उसने बोला कि प्राइवेट लोगों के पास में अगर रोल रहेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, रोल होना चाहिए किसका, गवर्नमेंट का, तो नया सिस्टम आ गया कौन सा, सोशलिज्म। इन रशिया विटनेस द राइज ऑफ एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम जिसको बोल दिया क्या, सोशलिज्म। उसके बाद में बहुत सारी इकोनॉमी आके ये बोली, ना तो अकेला कैपिटलिज्म ढंग का काम का, ना अकेला सोशलिज्म काम का, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर दोनों का रोल होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का भी होना चाहिए और प्राइवेट का भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम फाइंड किया जिसको बोल दिया हमने क्या, क्या मिक्स वाला। तो क्या बोल रहा है, अमंग
Among many economies of the world, one finds the characteristic both of the capitalism and socialism. These economies are called the mixed economy. तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? Mixed economy. तो यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको economic system तीन तरीके का. एक है मेरा कौन सा? Capitalism. एक है socialism और एक कौन सा? Mixed वाला. और इन तीनों को bifurcation करने का जो criteria है वो क्या है मेरा? FOP. बोले तो factors of प्रोडक्शन. अगर सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो होल्ड बाय द गवर्नमेंट तो क्या बोलेंगे? सोशलिज्म. मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में. अगर ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन होल्ड बाय द प्राइवेट पीपल तो क्या बोलेंगे उसको? कैपिटलिज्म. और अगर कुछ है मेरी ये प्राइवेट, कुछ है मेरी गवर्नमेंट के पास में, कुछ है मेरे प्राइवेट के पास में, तो उसको बोल देंगे क्या? मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम. आई होप यहाँ तक ओके बोलो जी सर. तो ये हो गया जी आपका इकोनॉमिक सिस्टम का फर्स्ट बेसिक कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है. अब हमको पढ़ने हैं तीनों, तो तीनों का मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको. सबसे पहले कैपिटलिज्म शुरू करेंगे, फिर आपका मिक्स वाला, फिर पहले कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, और फिर पढ़ेंगे कौन सा? मिक्स वाला. पेपर के अंदर क्या रेलिवेंसी है? एक तो क्वेश्चन बनता है इनका डेफिनेशन का, मतलब वो क्या करेगा, कैपिटलिज्म का, सोशलिज्म का या मिक्स का डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा बताओ ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है. या पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनके क्या करेगा, फीचर्स दे देगा. ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म के सोशलिज्म में मिक्स करके शफल करके फीचर डाल दिए और बोला कि इनमें से बताओ कौन से फीचर जो है कैपिटलिज्म के, ऐसा करके. तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. आप दोनों के दोनों बहुत तरीके से करेंगे. अभी मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया? इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी को गवर्न करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हम क्या बोलते हैं, और साथ में हमने ये पढ़ा कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कौन सा. एक बार पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा, तो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है मिक्स वाला, लेकिन चलता अब कौन सा है? पहले था मिक्स विद सोशलिज्म, लेकिन 1991 के बाद में जो आ गया वो कौन सा आ गया? मिक्स विद कैपिटलिज्म. ओके जी सर, चलो ये आप कीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप तीनों कर लेंगे, सोशलिज्म का, कैपिटलिज्म का, मिक्स वाला. तब तक के लिए आप इसको कीजिए अब तरीके से. अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा इसी में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा. अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फील फ्री, आप जो हमको सजेस्ट करना चाहते हैं जरूर हमें सजेस्ट कीजिएगा ताकि हम अपनी क्वालिटी को और भी बेहतर कर सकें. ठीक है, और साथ में एक स्पेशल बात ये है हमारा ऑनलाइन बैच जो है वो दिसंबर 2019 के लिए चल रहा है. अगर आप हमारे बैच में एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो नीचे लिखे गए नंबर के ऊपर आप फ़ोन कर दीजिएगा तो आपको सारी डिटेल्स है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे. ओके जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. थैंक यू वेरी मच.